हेलो एवरीवन एंड अ वेरी एवरी वेलकम टू द पार्ट एट ऑफ एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओके हर पार्ट के अंदर हम चार पाँच क्वेश्चंस देखते हैं एंड प्रीवियस पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा टाइम एंड अगेन बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों एंड लाइव सेशन है बेटा आठ अगस्त को मॉक वन फॉर ए शाम को सात बजे से यूट्यूब के ऊपर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा प्लीज गो एंड यू नो सेट अ रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर ताकि एक रिविजन की फॉर्म में आप uh, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें 200 प्लस एम का जो डिटेल्ड एम सी क्यूज नॉन वीडियो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बहुत ही किफ़ायती दाम है एंड अभी uh, जो है डिस्काउंट भी चल रहा है अर्ली थर्टी ओके सो यू कैन ऑल्सो यूज दस सो लेटस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर द लेक्चर

पीटीओ बेसिकली क्या होता है पावर टेक ऑफ ओके ये ना एनर्जी प्रोवाइड करता है जो ट्रैक्टर के अटैच इंप्लीमेंट्स होते हैं ना उनको ट्रैक्टर एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे उनकी मूवमेंट जो है इजी हो जाती है पीटीओ पावर टेक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है टू डिटर्मिन वॉटर कंटेंट इन मिल्क ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर ऑप्शन बी एन एनोमीटर ऑप्शन सी ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑप्शन ई लैक्ट्रोमीटर गाइज यहाँ पर आ, मैं आपको बता दूं कि दो आ, बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स एक तो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर जो है वो बना रहा हूँ ठीक है अभी थोड़े टाइम में डल जाएगा वो भी एग्रीकल्चर स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट के अंदर मैं डालूंगा उसको पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्लीमेंट्स करके उसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्टिंग में वेरियस इंप्लीमेंट्स वगैरह यूज होते हैं ना उसके ऊपर हम आ, बेसिकली काम करेंगे और एक हम फिर एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी एक लेक्चर बनाएंगे ठीक है तो इनमें से क्योंकि क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं हाल फिलहाल अगर वापस आए तो इंस्ट्रूमेंट जो वाटर कंटेंट मिल्क में डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आपका लेक्टोमीटर ठीक है जो लेक्टोज कंटेंट को मेजर करता है बेसिकली एंड लेक्टोस होता क्या है बेसिकली शुगर एलिमेंट्स होते हैं एंड शुगर ग्लूकोज और गेलेक्टोस से मिलकर के आपके इलेक्टोज बनते हैं ओके नाउ द एंजाइम दैट स्प्लिट्स लेक्टॉस इनटू ग्लूकोस एंड गलेक्टोस इज कॉल्ड लेक्टेस तो एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसको हम लेक्टेस बोलते हैं ये क्या करता है इसका काम क्या है ये लेक्टॉस को स्प्लिट करेगा ग्लूकोस और गलेक्टोस में ठीक है और ये जनरली जो है स्मॉल uh, इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके सर्फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ये आपको ये भी एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम जो है लेक्टॉस को ग्लूकोज और गेलेक्टॉस में ब्रेक करता है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाए नॉरिन टेन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉफनेस इन विच क्रॉप कौन सी क्रॉप के अंदर डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉरिन टेन जीन वीट राइस मेज मेज एंड नीज तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए है डॉफ uh, जीन है वीट का नॉरिन टेन नॉरिन टेन बेसिकली uh, जो है इससे दो बड़े इंपॉर्टेंट जीन्स को डिराइव किया गया था आर एच टी बी वन बी एंड आर एच टी डी बी ठीक है ये स्वेमिड ऑफ वेराइटीज डेवलप करने के लिए यूज किए गए थे जापान में 1935 में उसके बाद नाइनटीन में यूएस के जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे थे वीट ग्रोथ के लिए उसमें नॉरिन टेन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया ताकि जो विंटर वीट है उसको वाटर लॉजिंग रेजिस्टेंस से प्रोटेक्ट किया जा सके देन यूएस के अंदर एक नया टाइप भी डेवलप किया जहां पर नॉरिन टेन को क्रॉस कराया गया ब्रेवॉर से ओके एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे एंड अल्टीमेटली नॉर्मन बॉर्लॉ जो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के उन्होंने इसको यूज़ किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वीट ओके तो नॉरिन टेन अल्टीमेटली एक सेमी डो ऑफ वीट कल्टीवार है एंड इसके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं एंड स्टार्टिंग में जापान में इसकी कल्टिवेशन हुई थी और नॉरिन टेन ने इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है बेटा व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेचराइजेशन इन मिल्क बड़ा सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन किसी का गलत होना नहीं चाहिए एग्जाम में ऑप्शन ए कहता है टू डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ओके टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टू चेक द एडल्ट्रेशन इन मिल्क टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ मिल्क टू रिड्यूस द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल तो एसिडिटी और फैट ग्लोब्यूल से कुछ लेना देना नहीं है एडल्ट्रेशन से भी कुछ लेना देना नहीं है ग्रोथ की बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर होता है कि आपको जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनको ही खत्म करना है तो अल्टीमेटली ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा पेस्चराइजेशन में आपने ये भी ध्यान में रखना है कि पेश्चराइजेशन के अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेस्चराइजेशन को सिर्फ और सिर्फ हीटिंग से नहीं आपने लेकर के चलना है पेश्चराइजेशन के अंदर हीटिंग और कूलिंग दोनों की जाती है तो पेस्चराइजेशन के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हो मिल्क पार्टिकल्स को हीट करते हो होटलीस्ट या तो आप 63 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तीस मिनट के लिए या 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए ठीक है ये आपको करना ही पड़ेगा तो ये 15 मिनट्स है बेटा इसको याद आपने रखना है ओके okay? आफ्टर पेस्चराइजेशन आपको मिल्क को इमिजिएटली ठंडा करना है पाँच या उससे कम आ,

व्हाट विल बी द आंसर ओवर एयर ऑप्शन ए कैटा कैटामेर ऑप्शन बी कोरोमंडल सी आंध्रा टाइप डी धिंगी एंड डी नन ऑफ दी अब तो इसके अंदर बेटा जो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन ए कैटामेर इसके अंदर आंसर आएगा देखो फिशिंग क्राफ्ट क्या होता है फिशिंग बोट ठीक है जो फिशेस को कैच वगैरह करने के लिए वाटर बॉडीज में यूज की जाती है अब ये जो बोट्स होते हैं ना ये बड़े अलग अलग टाइप के आते हैं मेराइन इनलैंड फिशिंग के लिए अलग अलग टाइप के डेवलप किए जाते हैं दो टाइप के होते हैं जनरली एक तो जो आपके मैकेनाइज होते हैं ठीक है जिसके अंदर इंजन विंजन फिट हुआ होगा और दूसरे आपके नॉन मैकेनाइज नॉन मैकेनाइज बोट्स के अंदर बहुत सारे टाइप आ जाते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कैटामिन ये सिंपलेस्ट टाइप है फिशिंग बोट का सिंपलेस्ट टाइप है ठीक है इसके अंदर क्या करेंगे वुड लॉग्स लेंगे कर्व्ड वुड लॉग्स जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये कर्व्ड वुड लॉग्स को लेकर के इस तरीके से यहाँ पर इसको बना दिया जाता है अब ज्यादातर हिंदुस्तान में चार तरह के, के होते हैं उड़ीसा टाइप आंध्रा टाइप कोरोमंडल टाइप और कन्याकुमारी टाइप ठीक है ये चार टाइप्स हैं इनकी डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद एक नॉन बोट्स के अंदर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं डग आउट कैनोज डग आउट कैनोज के अंदर भी वही प्रोसेस है इसके अंदर भी आप वुड लॉग्स का यूज कर रहे हो ठीक है अब इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स आ जाते हैं ऑर्डम्स थोनीस वेंकीस ठीक है ये साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कोस्ट स्पेस को यूज किया जाता है बहुत ज्यादा डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है बस नाम थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो सफिशियंट है प्लंक बिल्ट कैन प्लैक बिल्ट कैनोस प्लैंक बिल्ट कैनोस का क्या होता है ये एक तरह से जो डग आउट कैनो है ना उसका एक थोड़ा सा एनलार्ज वेराइटी है ठीक है और इसके ऊपर बैठने के लिए साइड्स के ऊपर प्लैक्स भी बनाए जाते हैं फट्टे बनाए जाते हैं केरला के अंदर मेनली आपको देखने को मिलता है मसूला बोट्स मसूला बोट्स के अंदर इसमें कोई रिजिड प्लैंक नहीं होगा बैठने के लिए इस तरीके से सुई करके उसको रस्सी से या क्वर रॉप से बांध दिया जाता है ठीक है और आंध्रा साइड में आपको ये मिलेगा ओके ढिंगी ढिंगी बेसिकली फिशिंग के लिए अगेन एक टाइप ऑफ नॉन मैकेनाइज्ड बोट है फिर आउट ट्रिगर कैनोज है एंड बिल्टअप बोट्स हैं बिल्टअप बोट्स जो होती हैं इनके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है रेन वगैरह से आ, बोट को या जो फिशरमैन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इसके मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है कि बोट बनती कैसे है फिर बोट को चलती कैसे है और वो सब वो सब पेपर के अंदर नहीं पूछेगा बस एक आइडिया रख लेना है कि ये आपकी सारी नॉन मैकेज बोट्स हैं तो दिस इज इट गाइस छोटा सा लेक्चर रखना था हमने एंड पांच क्वेश्चन हमारे हो गए हैं इसी तरीके से चलते रहेंगे प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टेलीग्राम की तो टेलीग्राम पे आप जाकर के आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में बाकी कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो ठीक है एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय